हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं कंपोजिट सेक्शन के ऊपर और एक न्यूमेरिकल। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समर 23 के एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है कंपोजिट सेक्शन का, वो सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर नीचे भी दिख रहा होगा आपको। तो न्यूमेरिकल में आपको ना एक सर्कुलर कॉलम दिया है, यहाँ पे मैं साइड में निकालता हूँ उसका डायग्राम, कोशिश कर रहा हूँ सर्कल निकालने की। समझ लीजिए ये सर्कल ही है, ये सर्कुलर कॉलम है और इसके अंदर कुछ 8 बार्स हैं। अब गिन के नहीं निकालेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बार हैं और इस पे आने वाला लोड भी दिया है, उसका डायमीटर वीमीटर सब कुछ दिया है। और बोलते हैं कि ये जो कंक्रीट और स्टील बार्स है इनके ऊपर आने वाला स्ट्रेस निकालिए। तो पहले तो गिवन डेटा है वो लिख देंगे। सबसे पहले दिया है उन्होंने डायमीटर ऑफ कॉलम, कॉलम सर्कुलर है इसके लिए डायमीटर ऑफ कॉलम डी इज इक्वल टू 300 mm एज इट इज लिख दिया। बाद में उन्होंने एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली दिया है, नंबर ऑफ स्टील बार्स भी दिए और डायरेक्टली एरिया ऑफ स्टील दिया, AS इज इक्वल टू 2513.27। उसके बाद ये जो कॉलम है इसके ऊपर कितने का लोड आ रहा है, तो लोड आ रहा है 250 kN का। कितना लोड आ रहा है? 250 kN। इसको न्यूटन में करके यहाँ पे लिखा मैंने, किलो की जगह जस्ट 10^3 आ गया। ओके, उसके बाद आके बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है उन्होंने, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 18 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो 18 गुना किसके, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट के। ये बहुत बड़ा ही उन्होंने ट्विस्ट देने का प्रयास किया है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर है, आपने समझा और इसको लिखा, स्टील का यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू वो 18 टाइम्स है किसके, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, इसी लिख दिया। ओके, अब टू फाइंड में स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। अब आराम से क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन का अप्रोच जो है, इससे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया सेम वैसा। कैसे? सबसे पहले तो हम जो दो इक्वेशन की बात करते हैं ना कंपोजिट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो पहला लिखते हैं। पहला इक्वेशन है सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी। अब आपको यहाँ पे ई एस और ई सी चाहिए, तो इस चीज पे गौर फरमाइए। गिवन में ई एस यहाँ पे है, ई सी यहाँ पे है, ई सी अगर ये साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके बैठेगा ई एस अपॉन ई सी, और बचेगा क्या इधर 18, बराबर ना। तो ई एस अपॉन ई सी की जगह क्या पुट करोगे, 18। इतना सिंपल है। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू 18 इंटू सिग्मा सी। ये 18 कहाँ से आया, तो ये देखिए इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया। इसको बोलिए इक्वेशन 1, दैट्स इट। अब दूसरा इक्वेशन कंपोजिट सेक्शन में कौन सा यूज करते हैं हम, पी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी, बराबर। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकालते हैं और फिर उनका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, बराबर ना, वही करते हैं ना। तो सबसे पहले ए एस, ए एस निकाल दो, ए एस तो दिया हुआ है तो निकालने की सेपरेट जरूरत नहीं है, वही कॉपी करो यहाँ पे, ठीक है, 2513.27, डन। बाद में ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब एसी का वैल्यू निकालना है। अब एसी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ग्रॉस एरिया कैसे बनता है वो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस एरिया मतलब क्या, एजी इज इक्वल टू, ग्रॉस एरिया मतलब ये पूरा कॉलम का एरिया जिसमें क्या क्या आएगा, स्टील और कंक्रीट का एरिया, मतलब क्या, ये देखिए स्टील प्लस कंक्रीट का एरिया दोनों का मिलके ग्रॉस हो जाएगा। अब ये ग्रॉस एरिया तो निकलना आपके बाएं हाथ का खेल है, कैसे निकालोगे, सर्कुलर सेक्शन है
तो पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वेयर, डी यानी डायमीटर ऑफ दैट कॉलम कितना है 300, खत्म। स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस पता है 2513.27 प्लस ए सी, इतना सिंपल है। इसका कैलकुलेशन करिए, ये 251327 इधर माइनस करिए तो आपको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। सिंपल है, कैल्सियम में फटफट इसका कैलकुलेशन करिए, ए सी आपको मिल जाएगा 68172.56 mm². दैट्स इट। देखिए एस भी मिला ए सी भी मिला, अब ये दोनों का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करेंगे। आइए ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैं लाइन बनाता हूँ तो साइड में सॉल्व कर सकते हैं। पी का वैल्यू 250 × 10³, 250 × 10³ इज इक्वल टू सिग्मा एस। सिग्मा एस की जगह क्या लिखोगे, इक्वेशन वन से जो पता चला वो वैल्यू 18 × σc। देखिए यहाँ पे सिग्मा एस की जगह लिख रहा हूँ 18 × σc। बाद में यहाँ पे ए एस है, ए एस का वैल्यू तो पता है 2513, तो इंटू 2513.27 इसको ब्रैकेट डाल दो, प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी है, सिग्मा सी एज इट इज लिखो। ए सी का वैल्यू अभी अभी 68172.56 ये अभी अभी मिला था। अभी क्या करना है आपको, ये 18 को इससे मल्टीप्लाई करो, और ये सिग्मा सी का टर्म है, ये भी सिग्मा सी का टर्म है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बहुत इजी है तो कर लेते हो, 250 × 10³ इज इक्वल टू 18 इंटू ये कर दीजिए 18 × 2513.27, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेना, प्लस ये वाला प्लस, क्योंकि दोनों सिग्मा सी के टर्म है ना तो प्लस कर सकते हो आप, प्लस 68172.56, तो आपको इधर सिग्मा सी का टर्म मिलेगा 11.42 सिग्मा सी, दैट्स इट। अब ये सिग्मा सी को मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड करके आपको क्या आंसर मिलेगा पता कर लेते हैं, 250 × 10³ तो आपको सिग्मा मिला 2.204 न्यूटन पर mm², दैट्स इट। आई बात समझ में, डन। एक बार सिग्मा सी मिला तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ पे वैल्यू सिग्मा सी की पुट करोगे तो सिग्मा एस आराम से मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू 18 × सिग्मा सी का वैल्यू 2.204, देयरफॉर सिग्मा एस कितना मिल जाएगा, सिग्मा एस का वैल्यू बन जाएगा 39.672 न्यूटन पर mm². इसको भी बॉक्स डालिए, खत्म। चार मार्क्स ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में ना कन्फर्म कंपोजिट सेक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, भले इससे पहले लिया हुआ वो स्क्वायर सेक्शन का हो या ये सर्कुलर सेक्शन का हो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया अपने दोस्त को भी समझ में आना चाहिए ना, भेज दो उसको सारे वीडियोस। ओके चलिए, अब अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट सेक्शन से बता देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।